नहीं देखिए, वो हंगामा जो था, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पर जो चर्चा थी उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो, उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष जी नहीं चाहते थे कि उसको निलंबित किया जाए या सेशन से निकाला जाए, हाउस से निकाला जाए। उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भी अगर वो अपने आचरण पे खेद व्यक्त करते हैं तो ये जो निर्णय लिया इसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि खेद व्यक्त करने की जगह उनकी सारी पूरी पार्टी ने उसके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार का वो व्यवहार था वो गलत व्यवहार था। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था, इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से हम वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माने मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माने मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे और डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जो नियम है और जो फैसला अध्यक्ष का फैसला होता है वही फैसला है, उसके आधार में गलत है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने भी अगर गलती की है तो उसको गलती को स्वीकार। मैं समझता हूँ कई बार उत्तेजना में भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको मान लेना चाहिए उस बात को। तो लेकिन क्योंकि उनको वॉकआउट करना था, उनको बहिष्कार करना था, वॉकआउट करना था, तो इसलिए उन्होंने सारा जो आचरण था ये किया। मैं समझता हूँ उनकी कोई तैयारी नहीं थी इसलिए किया, नहीं तो उनको मानना चाहिए। सर, क्या हम तो करना चाहते हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, वो जो प्रश्न उठाना चाहते हैं। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें, केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ पका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पत्ती बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और एक महीने के बाद वो कर सकता है, उसमें कोई माने मुख्यमंत्री जी ने अब तक जितने भी बजट प्रस्तुत किए उनमें सब में जनता की राय उन्होंने ली है, विधायकों की सभी की राय ली है और उनके जो भी सुझाव थे जो उसमें शामिल करने के लायक थे वो सारे शामिल किए और उनकी बड़ाई जो थी वो भी उन्हीं लोगों को दी। उनका नाम लेके गया कि फलाने विधायक ने, कांग्रेस के फलाने विधायक ने, लोकदल के फलाने विधायक ने या फलानी पार्टी के फलाने विधायक ने मेरे को ये सुझाव दिया था, उसके सुझाव पर भी ये हमने बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से बच्चे आ चुके हैं। लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहाँ से निकाल के आए इसकी तारीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट।